हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, अभी अभी आगामी हमारे एग्ज़ाम होने वाला है बैंक, सहकारी बैंक और आप लोग का हैंडपम्प तकनीशियन जो फीटर आईटी के द्वारा निकले हुए पोस्ट है। तो इन सभी में छत्तीसगढ़ एक अच्छा ही अपना क्या योगदान निभा रही है। तो छत्तीसगढ़ हमारा जो विषय है, इसमें आप लोग का जो मैं पिछले क्लास में प्राचीन इतिहास पढ़ाया था, उस वीडियो को, 8 वीडियो को पूरा देख लेना। आज आप लोग का उसी छत्तीसगढ़ जो प्राचीन इतिहास है, उस सेशन को मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ। जो पुराना वीडियो है उसको नहीं देखे होगे तो उसको देख लेना। और आज आप लोग का जो प्राचीन ख़त्म हुआ था वहीं से प्रारंभ करने वाला हूँ मैं। तो आज ये आप लोग का नवा पार्ट रहेगा हमारे प्राचीन इतिहास का, और जो रहेगा वाकट्टा वंश। जैसे कि मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था आप लोग का पाषाण काल, वैदिक, रामायण, महाभारत, महाजनपद, मौर्य, सातवाहन, कुषाण, मेघवंश, इतना पढ़ा लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वाकटक, गुप्त और नल वंश। तो जिसमें का आप लोग का जो वाकटक है उसका पूरा मैं विस्तार करके बताऊंगा, और आप लोग का नल वंश को बताऊंगा और गुप्त वंश, क्योंकि ये तीनों एक समकालीन थे। अपने उत्तराधिकारी अपने अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए एक दूसरे से युद्ध करते थे लोग, क्लियर है। तो आज हम लोग देखेंगे मेघवंश, नहीं आप लोग का वाकटक वंश। तो वाकटक वंश से आप लोग को मैं ट्रिक बताऊंगा, कौन कौन से शासक ने हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किया और उसके बाद कौन कौन से दूसरे शासक दूसरे राजवंश से युद्ध करते थे, क्लियर है। चलो तो आज हेडिंग डालना, सबसे पहले हेडिंग डालोगे वाकटक वंश, और वाकटक वंश के सभी जो शासक है उन सभी शासक को मैं पिछले क्लास में याद करवा दिया हूँ। तो पिछले क्लास जो नहीं देखे होंगे सबसे पहले वही करना, और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जो नए होंगे मेरे वीडियो में, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो जो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहले पहुंच जाएगा, क्लियर है। तो चलो हेडिंग डालना आज आप लोग वाकटक वंश, वाकटक वंश, क्लियर है। और इसी वाकटक वंश के और समकालीन दो वंश और याद रख लेना आप लोग, ठीक। इसी के समकालीन में जो चलते थे एक दूसरे के साथ, तो याद रखना, एक याद रख लेना नल वंश और एक याद रखना आप लोग गुप्त वंश, क्लियर है, ठीक है। तो जिसमें का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाकटक वंश, फिर नल वंश, फिर गुप्त वंश, क्लियर है। गुप्त पहले आ जाएगा, नल देख लेना है समकालीन, बस अभी इसमें दो चार को भी याद रख लेना ना, बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वाकटक वंश की, सबसे पहले जो वाकटक वंश है इसका स्थापना किसने किया, ये पूछा जाएगा पहली बार। दूसरी बातें पूछे जा सकती है आप लोग की कि इसकी राजधानी कहाँ थी, क्लियर है। तो सबसे पहले याद रखना इसका संस्थापक, अगर देखा जाए संस्थापक देखा जाए तो इसका संस्थापक था आप लोगों का प्रवरसेन। प्रवरसेन जो प्रथम था, प्रवरसेन प्रथम हमारे वाकटक वंश का क्या था, संस्थापक था, क्लियर है। और इसने नंदीवर्धन, जो नंदीवर्धन है ना, नंदीवर्धन कहा जाए तो नंदीवर्धन से तात्पर्य हमारा नागपुर क्षेत्र, याद रखना नागपुर क्षेत्र था नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन क्या था भाई, क्या थी ये, राजधानी थी। तो राजधानी याद रखना है आप लोग को नंदीवर्धन, क्लियर है। वाकटक वंश, वाकटक वंश सबसे पहले संस्थापक याद रखना, संस्थापक के बाद राजधानी याद रखना नंदीवर्धन। इसमें विभिन्न प्रकार के शासकों ने हमारे छत्तीसगढ़ में क्या किया है, शासन किया है, और क्रम से उसी को बताऊंगा। इस ट्रिक को याद रखना दोस्तों, ये ट्रिक हमेशा याद रहेगा आप लोग को, एक छोटी सी ट्रिक है MRP NPH करके, ठीक है। और से बहुत सारी यूट्यूब में मिल जाएगा मिलने को, लेकिन मेरा जो वीडियो है आप लोग देख लेना अच्छे से, लिखते चलना, लिखना जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है, यही नोट्स आप लोग का सबसे ज़्यादा काम आएगा, दूसरे का नोट्स काम नहीं आता, खुद का नोट्स काम आएगा, क्लियर। तो नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तो इसके बाद मैं बता दूँ प्रवरसेन के बाद और अगले जो शासक आते गए, तो मैं एक ट्रिकी के माध्यम से बता रहा हूँ, MRP NPH। कुछ भी सामान खरीदते हो तो MRP रहता है ना भाई, MRP, तो MRP याद रखना, उसके बाद याद रखना NPH, क्लियर है। तो MRP NPH याद रखना, केवल 6 शासक याद रखना है और इसके लेके 7। तो M से याद रखना, देखो M से याद रखना आप लोग को महेंद्र सेन, याद रहेगा महेंद्र सेन, एम से महेंद्र सेन, आर से याद रखना है रुद्र सेन, रुद्र सेन याद रखना, किसी किसी बुक में रुद्र सेन द्वितीय लिखा रहेगा तो आप लोग द्वितीय भी याद रखना, तो रुद्र सेन द्वितीय याद रखना इसको, क्लियर है। महेंद्र सेन, रुद्र सेन, पी से याद रखना है आप लोग को प्रवर सेन, तो देखो प्रवर सेन इसको द्वितीय याद रखना आप लोग,
प्रवर्तन प्रथम हमारा कौन है, वाकटक वंश का संस्थापक। ठीक है, तो याद रखना प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन के बाद अब देखो एन बज गया, पी बज गया, एज बज गया। एन से याद रखना आप लोग को नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन याद रहेगा। पी और एच बच गया भाई, पी और एच। पी से याद रखना है पृथ्वी सेन, और एच से याद रखना है हरिसेण, हरिसेण। क्लियर है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे वाकटक वंश में क्रम से शासकों ने क्या किया, शासन किया है। तो एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, याद करते चलना। ठीक, सबसे पहले संस्थापक कौन है आप लोग का, प्रवरसेन प्रथम। फिर ट्रिक्स याद रखना, एम आर पी एन पी एच, एम से महेंद्र सेन, मेरे साथ बोलते चलना, एम से महेंद्र सेन। ठीक है, फिर आर से रुद्र सेन द्वितीय, फिर पी से प्रवरसेन द्वितीय, उसके बाद एन पी एच से, एन से याद रखना है आप लोग को नरेंद्र सेन, उसके बाद पी से पृथ्वी सेन, एच से याद रखना है हरिसेण। हरिसेण हमारा वाकटक वंश का सबसे अंतिम शासक याद रखना है। क्लियर है, इतनी बातें क्रम से शासकों को याद रखनी है। अब देखते हैं कुछ वंश, अब जब ये लोग शासन करेंगे एक दूसरे के साथ, जब अब शासन करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो जो उन्हीं के समकालीन में दूसरे जगह में कोई राजवंश था तो शासन करते थे, तो सभी चाहते थे कि हमारा ही सत्ता रहे, हमारा ही राज्य रहे करके। तो ये लोग एक दूसरे पर लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है, वाकटक वंश के लोग नल वंश के साथ, फिर नल वंश से गुप्त वंश के साथ। ठीक है, तो याद रखना कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ, इसमें कुछ शासकों का नाम याद रख लेना। अभी केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अभी तो नल को मैं पूरा विस्तार करके समझाऊंगा, लेकिन 5 से 6 शासकों का नाम भी फिलहाल याद रख ले रहना। ठीक है, और गुप्त में कुछ लोग और पर याद रख ले रहना, जो अभी इस वाकटक के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वाकटक वंश के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उसी लोगों का नाम मैं बता रहा हूँ जो उनके समकालीन थे। बाद में से क्रम से और मैं याद करवाऊँगा। क्लियर है, तो चलो तो नल वंश याद रखना। नल वंश का संस्थापक देखा जाए तो शिशुक था। ठीक है, शिशुक, तो याद रखना शिशुक, व्याघ्र, वृषभ, वराह, बहुदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक, ये 6 लोग को फिलहाल याद रखना। शिशुक, व्याघ्र, वृषभ, शिशुक, व्याघ्र, वृषभ, वराहराज, वराहराज। ठीक है, उसके बाद बहुदत्त वर्मन, बहुदत्त वर्मन, और इसका लड़का, इसका पुत्र अर्थपति भट्टारक। ठीक है, तो जिसमें कभी युद्ध होने वाला है सभी को बता रहा हूँ, व्याघ्र को याद रखना है, बहुदत्त को याद रखना है, अर्थपति को याद रखना है, अभी इस वाकटक वंश के समकालीन के समय लगभग। फिर गुप्त के समय कुछ याद रख लेना आप लोग, एक याद रख लेना अभी समुद्रगुप्त को याद रख लेना, समुद्रगुप्त को। अरे इसका तो श्रीगुप्त, खटोत्खा, चलो क्या किए थे, इसकी स्थापना किए थे ना श्रीगुप्त, पुराना आदि पुरुष, उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में 4 ही लोग शासन किए हैं, समुद्रगुप्त और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आप लोग का विष्णु, स्कंद विष्णु, ये सभी है ना। तो समुद्रगुप्त याद रखना, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है, तो बस इतना लोगों को फिलहाल अभी वाकटक वंश के समकालीन के समय याद रखना। अब देखो मैं विस्तार से समझाते चलता हूँ, एक एक वंश को याद रखना जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसी के थ्रू इसमें बताऊँगा। क्लियर है, ठीक है, तो याद रखना। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा महेंद्र सेन से, महेंद्र सेन से लेकर के पूरा हरिसेण तक मैं आऊँगा, हरिसेण तक आऊँगा, और इन लोग को एक साथ समावेशित करके कौन कौन से किसके साथ युद्ध हुआ उसको बताऊँगा, फिर आप लोग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, वीडियो को अंत तक देखना, तभी मज़ा आएगा, तभी समझ में आएगा। और हमें रटना नहीं है, इसको समझना है हमेशा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में लिखना भी है, मेंस के थ्रू से भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलो ठीक, चलो तो देखो मैं बताया था वाकटक वंश। ठीक है, वाकटक वंश बताया था, तो वाकटक वंश में एम आर पी एन पी एच समझ गया होंगे उसका मतलब, और इसमें क्या बता दिया था मैं नल वंश में है ना, शिशुक, व्याघ्र, वृषभ, वराह है ना, जिसमें का आप लोग को बहुदत्त वर्मन को याद रखना है, बहुदत्त वर्मन को, और इसका पुत्र अर्थपति भट्टारक को याद रखना है, अर्थपति भट्टारक को। ठीक है, और इसमें क्या याद रखना है समुद्रगुप्त में, समुद्रगुप्त को गुप्त वंश में। ठीक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को,
ठीक है, इतना याद रखना फिलहाल अभी। तो चलो देखो, तो पहला कौन था हमारा, इसको विस्तार करेंगे ना, एकदम समझते चलना, याद करते चलना भाई, इसको समझना है, रटना नहीं। तो एम से याद रखना आप लोग महेंद्र सेन। तो सबसे पहले महेंद्र सेन के बारे में समझना है भाई, ठीक है। देखो महेंद्र सेन, ये हमारा जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ दक्षिण एरिया, ठीक है, बस्तर दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक है, नागपुर से इधर लगा हुआ MP। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के दौरान जब आया तो नंदीवर्धन नागपुर के तरफ कौन सा शासक है भाई, महेंद्र सेन। और नलवंश शासक हमारे छिंदक नागवंश समझ लो एक प्रकार का, भोपालपट्टनम तरफ नलवंश, बीजापुर। तो बीजापुर होते हुए कहाँ जा रहा है, देख रहे हो, महेंद्र सेन के मतलब आप लोग का नागपुर के तरफ नंदीवर्धन। तो जब दक्षिण अभियान के तरफ समुद्रगुप्त ने आया, तो दक्षिण अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने आया हमारे छत्तीसगढ़ के तरफ, तो इसने हमारे वाकटक वंश के राजा महेंद्र सेन और नल वंश के राजा आप लोग का व्याघ्रराज, कौन भाई, व्याघ्रराज। तो व्याघ्रराज और महेंद्र सेन, तो समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण अभियान के दौरान आया तो हमारे कौन, नलवंश का शासक व्याघ्रराज और आप लोग का वाकटक वंश के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया, हराया, ठीक है। और ये बात किसमें लिखी है, ये बात हमारे जो हरिसेण है ना, हरिसेण ने एक लेख लिखी है प्रयाग प्रशस्ति, उसी में पूरी कहानी को लिख के बताया गया है, ठीक है। तो उस कहानी को लिख के बताया गया है प्रयाग प्रशस्ति में कि समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण अभियान में आया था तो व्याघ्रराज और महेंद्र सेन को हराया था, ठीक है। तो महेंद्र सेन के बारे में फैक्ट याद रहेगा, याद रखना प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेण द्वारा रचित एक रचना है प्रयाग प्रशस्ति, क्लियर है। चलो अब याद रखना है महेंद्र सेन के बाद दूसरी कौन है भाई आप लोग का, आर से, महेंद्र सेन के बाद रुद्र सेन। तो रुद्र सेन के बारे में क्या फैक्ट याद रखना है आप लोग को, रुद्र सेन को आपको मेन से पूछा था भाई, उठा के देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। रुद्र सेन ने किसको शादी किया था, तो याद रखना ये जो हमारा गुप्त है ना, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्युति दिखाई दे रहा है, तो जो चंद्रगुप्त द्युति के पुत्री, इसकी पुत्री थी एक प्रभावती, ठीक है। तो चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती को किसने शादी किया था भाई, विवाह किसने किया था, तो रुद्र सेन जो द्युति है ना, प्रभावती से क्या किया है भाई, विवाह, प्रभावती से विवाह किया है भाई ये, ठीक है। किसकी पुत्री थी ये, चंद्रगुप्त की पुत्री थी। तो रुद्र सेन के याद रखना है, रुद्र सेन के बाद याद रखना प्रवर सेन, जो प्रवर सेन आप लोग का जो पी से प्रवर सेन द्वितीय है, इसी के समय इसके दरबारी कवि थे आप लोगों का कवि कालिदास। कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे, प्रवर सेन के। प्रवर सेन के क्या थे भाई, दरबारी कवि। तो दरबारी कवि कौन, कालिदास। जब कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा क्षेत्र, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा क्षेत्र में गया, तो उसी समय रामगढ़ की पहाड़ी में बैठ करके इसने एक रचना लिखी थी। क्या रचना, रचना का नाम याद रखना मेघदूतम, क्लियर है। मेघदूतम की रचना किसने की थी, कालिदास ने। कालिदास किसकी सहायक थी, मतलब किसके दरबारी कवि थी, मतलब किसके दरबारी कवि था, तो आप लोग का प्रवर सेन द्वितीय, इतना फैक्ट याद रखना है। प्रवर सेन के बाद है ना, फिर जो ये जो मेघदूत जो लिखी है, तो जो मेघदूत लिखी इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद याद रखना आप लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के छायावादी कवि मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे ने क्या किया इसका, ही छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है भाई, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद याद रखना है, क्लियर है बातें, ओके आगे बढ़ें। प्रवर सेन के बाद याद रखना है नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन के बारे में याद रखना। देखो ये तो भवदत्त और अर्थपति दोनों बाप बेटा दिखाई दे रहा है, ये उसके पिता और इसके पुत्र। तो जो भवदत्त वर्मन था ना, जो नलवंश के शासक भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था, नरेंद्र सेन को क्या किया था, पराजित किया था, मतलब हरा दिया था। भवदत्त वर्मन ने किसको हरा दिया था, नरेंद्र सेन को। ये बात किसमें पता चलती है, ये बात रिद्धिपुर अभिलेख, रिद्धिपुर अभिलेख याद रखना, नरेंद्र सेन से संबंधित है आप लोग का रिद्धिपुर। तो रिद्धिपुर अभिलेख से यह पता चलता है कि नलवंशी शासक आप लोगों का भवदत्त वर्मन ने किसको हराया था, नरेंद्र सेन को हराया था, ठीक है। अब नरेंद्र सेन को हरा दिया, देखो तो नरेंद्र सेन का पुत्र कौन है पता है,
पृथ्वी सेन। अब ये पृथ्वी सेन है, अपने पिता का बदला लेगा, ये अपने पिता का बदला लेगा और अर्थपति भट्टारा को हरा देगा, मार देगा जान सहित, खत्म कर देगा। क्लियर है? तो जो पृथ्वी सेन है अर्थपति को मार देता है। तो ये बात किसमें पता चलता है? ये बात हमारे केसरी बेड़ा अभिलेख, केसरी बेड़ा अभिलेख, केसरी बेड़ा अभिलेख से यह बात क्या होता है भाई, मतलब यह बात पता चलती है, ठीक है, कि पृथ्वी सेन ने अर्थपति को हराया, पराजित किया। ये इसको मारा, ये इसका, अब ये अपने ये रुद्रसेन को मारा भवदत्त ने, और इसने भवदत्त ने जैसे मारा तो इसका पुत्र अर्थपति है और इसके पुत्र को ये पृथ्वी सेन ने इधर मार दिया भाई, अदला बदली। क्लियर है? अब लास्ट देखो ये क्या हो गया आप लोग का, पृथ्वी सेन, एस से याद रखना हरिसेन। तो हरिसेन में क्या याद रखना है दोस्तों, हरिसेन में याद रखना, हरिसेन ने एक रचना किया था क्या, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति याद रखना। इसी प्रयाग प्रशस्ति में पूरा जो हमारे नल वंश और आप लोग का वाकटक और जो व्याघ्र है लोग जो थे ना उन्हीं का पूरा समावेशित करके अपने जो हमारे गुप्त समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बारे में लिख के बताया है अपने प्रयाग प्रशस्ति में, कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने आप लोग का व्याघ्र राज और नरेंद्र सेन को हराया था करके, ठीक है। और ये हमारा अंतिम शासक है वाकटक वंश। इस प्रकार आप लोग का वाकटक वंश खत्म होता है दोस्तों, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ये हमारे सभी छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाला है। अच्छे से लिखना, नोट्स बनाते चलना, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।